गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस पोएम के अंदर हम पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आपको कुछ वर्ड्स हैं वो पता होने चाहिए जो आपने इस पोएम के अंदर हैं वो सीखे हैं, जैसे कि पोएम, पोएट, क्रो, हैमलेट ट्री, स्नो, डस्ट, शुक डाउन, र्यूट, नेचर, पॉइजनस इविल, सिंबल, वे, हार्ट, आपने एस्पिशियस, ओमनिशियस, ये वर्ड्स हैं वो आपने इस पोएम के अंदर पढ़े होंगे, इनकी स्पेलिंग्स आपको आ जानी चाहिए। अब मैं हम इसको कॉम्प्रिहेंशंस करने हैं, क्योंकि ये पोएम बहुत छोटी है तो हमने दोनों स्टेंजा इस पोएम के एक ही स्टेंजा के अंदर है वो कर लिए हैं। इस पोएम के अंदर आपने ये सब वर्क है वो उतार लेना है अपनी नोटबुक्स के अंदर। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलक ट्री, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ए डे आई हैड रियूड। अब हम इसके कॉम्प्रिहेंशंस की तरफ आते हैं। तो जो सभी स्टेंजा के अंदर पहला क्वेश्चन है वो सेम ही रहता है, नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन। ये पोएम का नाम बताना है आपने कि ये पैसेज कौन सी पोएम से लिया गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। तो इसका आंसर रहेगा दिस पैसेज और स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा हु रोट दिस पोयम, ये पोयम किसके द्वारा लिखी है, किस पोइट ने इसे लिखा है, या नेम द पोइट ऑफ दिस पैसेज। नेम का मतलब होता है नाम बताओ, इस पोयम का पोइट है वो कौन है। तो आंसर रहेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, FROST, फ्रॉस्ट रोट दिस पोयम। थर्ड क्वेश्चन बनेगा वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, द क्रो आंसर रहेगा द क्रो वॉज सिटिंग ऑन ए हेमलक ट्री, कौवा कहाँ बैठा था, कौवा एक हेमलक के पेड़ के ऊपर बैठा था। नेम द ट्री मेंशन्ड इन दिस पैसेज, इस पैसेज के अंदर जिस पेड़ की बात की गई है उसका नाम बताओ। द पोइट मेंशन्स ए हेमलक ट्री, पोइट ने एक हेमलक के ट्री के बारे में बताया है। What type of a tree is a hemlock tree? Hemlock का पेड़ है वो किस तरह का पेड़ होता है। A hemlock tree is a poisonous plant with white flower. Hemlock का पेड़ है वो एक जहरीला पौधा होता है या पेड़ होता है जिसको सफेद रंग के फूल आते हैं। What did the crow do? कोई ने क्या किया। The crow shook down a branch of a hemlock tree. कोई ने हेमलक के पेड़ की एक ब्रांच को हिलाया था। व्हाट वॉज इट्स इफेक्ट, इसका पोएट के ऊपर है वो क्या प्रभाव पड़ा। सम स्नो पार्टिकल्स फेल ऑन द पोएट, कुछ बर्फ के कण है वो पोएट के ऊपर गिर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा रहेगा व्हाट हैपन टू द पोएट्स हार्ट, कवि के मूड को क्या हुआ। The poet's heart got a sudden change of mood. कवि का जो मूड है वो बदल गया। Whose heart is mentioned here? किसके दिल की बात है वो यहाँ की गई है इस स्टेंजा के अंदर, इस पोएम के अंदर। The poet Robert Frost's heart is mentioned here. पोएट के हार्ट की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मन की बात है वो यहाँ की गई है। How does the poet save a day for himself? कवि ने अपना एक दिन किस प्रकार से बचाया। The poet आंसर रहेगा The poet was in a sad mood on that day. Poet है वो उस दिन एक बड़े ही दुखी मन से बाहर जा रहा था। The crow shook down some snow particle on the poet from a hemlock tree. कोई ने पोएट के ऊपर एक हेमलक के पेड़ से कुछ बर्फ के कण है उसके ऊपर गिरा दिए। दिस इंसिडेंट ट्रांसफॉर्म द पोएट्स मूड कम्प्लीटली, और इस इंसिडेंट के कारण, इस घटना के कारण कवि का मूड है वो पूरी तरह से पूरे दिन के लिए बदल गया।
What was the mood of the poet before snow particle fell on him? कवि का मूड कैसा था बर्फ के कण उसके ऊपर गिरने से पहले? The poet was in a sorrowful mood. कवि है वो बड़े ही दुखी मन में था. In other words, the poet was in a sad mood. दूसरे शब्दों में कवि है वो एक बड़े ही दुखी मूड के अंदर था. What is the rhyme scheme of this passage? तो राइम स्कीम है वो हम पोयम के आखिरी जो वर्ड्स होते हैं उनसे हम लेते हैं. राइम स्कीम है वो आपको समझा देता हूं मैं. आप इसको लिया जाता है जो स्टैंजा के आखिरी वर्ड्स होते हैं उससे इसको लिया जाता है. तो आप इसको देख लीजिए कि किस प्रकार से राइम स्कीम है वो पोयम की निकाली जाती है. तो हम एक बार दोबारा से इस पोयम की टेक्स्ट के ऊपर आते हैं. तो इसका जो टेक्स्ट है वो इस प्रकार से है. क्रो है वो स्नो के साथ राइम कर रहा है. मी है वो ट्री के साथ राइम कर रहा है. तो इस पोयम की जो राइम स्कीम है वो ए बी हो जाएगी. क्रो है वो स्नो के साथ राइम कर रहा है. मी और ट्री है वो एक जैसी साउंड दे रहे हैं. तो ए बी पहले स्टैंजे की राइम स्कीम है वो हो जाएगी. और यही राइम स्कीम है वो हमारे दूसरे स्टैंजे की भी होगी, क्योंकि हमारा दूसरा जो स्टैंजा है उसकी लास्ट के अंदर फर्स्ट लाइन में हैज गिवन माई हार्ट आ रहा है. और ये जो हार्ट वर्ड है ये थर्ड लाइन के साथ राइम कर रहा है. एंड सेव्ड सम पार्ट, हार्ट और पार्ट है वो एक जैसे साउंड वाले वर्ड हैं. और उसी प्रकार से ए चेंज ऑफ मूड ऑफ ए डे आई हैड र्यूड, मूड और र्यूड है वो एक जैसी साउंड है वो देते हैं. तो मूड है वो र्यूड के साथ राइम करता है. तो इसकी भी राइम स्कीम है वो ए बी रहेगी. हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन के बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से रहेंगे. जब मैं कहूंगा तब बंद करना. हम बोल रहे व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? व्हाट डस्ट ऑफ स्नो मीन, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो मीन, डस्ट ऑफ स्नो का क्या अभिप्राय होता है? डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल ऑफ स्नो और आइस. डस्ट ऑफ स्नो का अभिप्राय होता है बर्फ के छोटे कण. व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर. डस्ट ऑफ स्नो किसके लिए क्या अभिप्राय होता है? डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर डिस्पेयर. इसका जो गहरा मीनिंग है, डीप मीनिंग है, वो दुख होता है, वो मूड ऑफ होना होता है. तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं वो समझ में आ गए होंगे और आपने इनको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख करके फिर इनको अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना है. आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे और कल की वीडियो के अंदर हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो करेंगे. वो वीडियो आपको कल भेज दी जाएगी. हैव ए नाइस डे. और आपने अपने घर में सुरक्षित रहना है बच्चों. थैंक यू सो मच.